विधानसभा में नेता विपक्ष और एसपी नेता राम गोविंद चौधरी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो एनआरसी सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में शामिल लोगों को पेंशन देंगे। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों ने संविधान को बचाने की कोशिश की। उन्होंने हिंसा के पीछे बीजेपी और संघ का हाथ बताया। सीएए प्रदर्शनकारियों पर समाजवादी पार्टी मेहरबान, सरकार बनी तो प्रदर्शनकारियों को मिलेगी पेंशन, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस लिए जाएंगे वापस, प्रदर्शनकारियों को मिलेगा संविधान रक्षक का दर्जा। हमारी सरकार बने तो उनको पेंशन भी दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने संविधान बचाने का काम किया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में समाजवाद के झंडावरदार राम गोविंद चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। राम गोविंद चौधरी सीएए के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को अगर सपा सत्ता में आई तो पेंशन देगी। इतना भर नहीं था, राम गोविंद चौधरी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा सरकार बनी तो प्रदर्शनकारियों को संविधान रक्षक का दर्जा मिलेगा, साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पेंशन देने का वादा किया है। राम गोविंद चौधरी ने कहा नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने वाले लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो पेंशन देने का काम करेगी। बिल्कुल नवाजा जाएगा, आवश्यकता पड़ी अगर केंद्र में हमारी सरकार बने प्रदेश में तो उनको पेंशन भी दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने संविधान बचाने का काम किया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन किया। तो राम गोविंद चौधरी कह रहे हैं प्रदर्शनकारियों को बिल्कुल नवाजा जाएगा और हमारी सरकार आई तो उन्हें पेंशन देने का काम किया जाएगा क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने संविधान बचाने के लिए आंदोलन किया है, उन्होंने संविधान को बचाने के लिए काम किया है। तो अब सवाल ये है कि क्या सपा प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रही है? क्या हिंसा फैलाने वालों को पेंशन दी जाएगी? सुदामा सिंह कृष्णा, देवरिया, R9 TV, उत्तर प्रदेश।